कैसे उदास बैठे हो? अरे क्या बताऊं रमेश भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे अड़ोसी पड़ोसी, यहाँ तक के मेरे रिश्तेदार और भाई बहन, और यहाँ तक के मेरे घर वाले सगे मुझे उल्टा सीधा वो भला बुरा बोलते हैं। अब बता मैं क्या करूँ? अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, मेरे साथ चलो, गुरुजी हर समस्या का हल करेंगे। गुरुजी के पास मैं चलता हूँ, मेरे साथ चलो। गुरुजी के पास जा रहे हैं? चलो ठीक है, वही हो सकता है कुछ ना कुछ समस्या का हल करते हैं। सारा हल करेंगे। ठीक है चलो। चलो प्रणाम गुरुजी। ये सज्जन बहुत परेशान हैं, ये बहुत चिंता में सताए रहते हैं, इनकी समस्या का समाधान करो। हाँ गुरुजी, मुझे चिंता सताए रहती है, मेरे परिवार के, मेरे अड़ोस पड़ोस के बहुत परेशान करते हैं मुझे, और आजकल तो काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अच्छा बच्चा, अभी तो मेरा भक्ति में ध्यान है, आप आश्रम में रुको, कल को प्रवचन में आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है गुरुजी, आज रात को हम आपके आश्रम में रुक जाते हैं और आप मेरी सुबह के टाइम समस्या का समाधान कर देना। गुरुजी, मैंने आपके आश्रम में आकर आपके आसपास काम करने वाले सभी लोगों का व्यवहार देखा, जो केवल अचकित्र बिल्कुल विपरीत था। अब तुम ही मुझे मार्गदर्शन दिखा सकते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार बालक खेलता खेलता ऐसी जगह पहुँच जाता है, चारों तरफ वही बालक नजर आता है और खुश होता है, देखकर सारी छवि से देखकर खुश होती है। अब तो मैं रोज आया करूंगी। और यह कहता है, यहाँ तो बहुत अच्छी जगह है, अब मैं यहाँ रोज आया करूंगा। मेरे साथ तो बहुत सारे बच्चे भी हैं। मैं आपकी बात समझ गया कि आदमी को अपने अंदर खुशी ढूंढनी चाहिए, ना कि दूसरे में। हम क्या करते हैं, दूसरे में खुशी ढूंढते हैं, वो हमारे लिए गलत हो जाता है, इसलिए हम परेशान रहते हैं। अच्छा गुरु जी, धन्यवाद अब आपका, मैं चलता हूँ। प्रणाम।